रोहन ब्रो, लास्ट ईयर हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में क्या धूम मचाई थी, इस बार कुछ नहीं कर पाए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। कौन सा रिश्ता, किस रिश्ते की बात कर रहे हो भैया? इस फोटो में आदि को देख रहे हो? मैं और आदि एक दूसरे की परछाई थे, हमेशा साथ साथ। लेकिन उस दिन पार्टी के बाद कुछ अनबन सी हो गई। रुको भैया, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहन। है, अरे रिया, तुम आज यहाँ अचानक कैसे? रोहन, तुम्हारा बर्थडे हो और मैं ना हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। देखो तो सही, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्वीट्स लाई हूँ। अरे थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या ये विशाल जैन का नंबर है? हाँ, ये विशाल जैन का ही नंबर है जी। उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। व्हाट, पापा को कोरोना पॉजिटिव आया जी? इमरजेंसी में कहीं पे उनको एडमिट भी करना पड़ेगा। उनको एडमिट करना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? पापा तो कभी भी। हेलो हेलो हेलो, रोहन, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, लेकिन वो तो यही थे ना? और पापा को कोरोना के सिम्टम्स थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रिया, मेरी बात तो सुनो। मुझे डर था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। क्यों सुनूं मैं? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। नहीं रोहन, मुझे पहले ही पता होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। क्या पता अगर पापा ने तुम्हें भी संक्रमित कर दिया हो। मैं अपनी लाइफ के साथ नहीं खेल सकती, मैं जा रही हूँ। रिया, रिया प्लीज, रिया, रिया रुको। एक तो पापा का टेंशन, ऊपर से तुम भी छोड़कर चली जाओगी। रिया, 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 किसी ने सच ही कहा था, हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। रिश्ते पानी जैसे होते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहते, बस बहते रहते हैं। पानी को अगर ठंडा या गर्म किया जाए तो वो अपना अस्तित्व गवा देता है, पानी से बाप बन जाती है। ठीक उसी तरह संबंधों की स्थिति और नाम भी बदल जाते हैं। पानी को अगर कोई ढलान मिल जाए तो बह जाता है, और अगर पानी के सामने कोई चढ़ान आ जाए तो वो सिर्फ थम नहीं जाता परंतु अपनी दिशा भी बदल देता है। संबंधों में भी अगर कोई कठिन सी परिस्थिति आ जाए तो स्वजन अपना रुख मोड़ लेते हैं। घाट बदलते ही पानी अपना आकार बदल देता है। ठीक उसी तरह हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। महाराज साहब, ये सब आप क्या कह रहे हैं? पानी, ढलान, स्वजन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ मस्ती से जी रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबके साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ। मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। समय चलते ही सब समझ में आ जाएगा। आज शायद तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। एक दिन यह बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। भैया, भैया कहाँ खो गए हो? भैया, पापा को कोरोना पॉजिटिव आया है, कुछ तो करिए। अरे विकी, विकी, विकी रो मत, टेंशन मत ले, चल हम लोग जल्दी हॉस्पिटल का इंतजाम करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, रिलैक्स। हेलो, हाँ, TNT हॉस्पिटल जी, बोलिए। हाँ, मेरे पिताजी को कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको आपके यहाँ एडमिट करना है। एक भी बेड खाली नहीं है। क्या, एक भी बेड खाली नहीं है? सर प्लीज कुछ ट्राई तो कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ, संगिनी हॉस्पिटल। हाँ, बोलिए। मेरे पिताजी का कोरोना है आपके आपके हॉस्पिटल में। अरे सर प्लीज प्लीज ट्राई तो कीजिए प्लीज, आप मेरी सिचुएशन तो समझिए प्लीज सर, प्लीज सर। भैया कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, अब क्या करे? हाँ, दिनेश मोदी अंकल के पास जाते हैं। हाँ हाँ हाँ।
उनकी बहुत से हॉस्पिटल में पहचान है। उनके पास गिड़गिड़ाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। हेलो, हाँ दिनेश मोदी अंकल। हाँ हाँ अंकल, मेरे पिताजी को कोरोना हुआ है। आपके आपकी किसी हॉस्पिटल में पहचान होगी? उनको उनको वहाँ एडमिट करना है। प्लीज सर, प्लीज अगर कुछ। ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। हेलो, हाँ दिनेश अंकल, पापा को एडमिट कर दिया है अस्पताल में। अभी हाँ हाँ अभी उनका इलाज भी शुरू हो गया है। अभी देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब ठीक ही आ जाए। थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए अंकल। ओके ओके। आज कितने दिनों बाद हम सब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में तो Forget the past, live in the present। अब तो आप घर पे आ गए हो ना? पापा, it's party time। अभी हमें future planning करना है। Online trading को expand करके हमें business को आगे बढ़ाना है। हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। रिया का फोन? Sorry रोहन, उस दिन मैं कुछ ज्यादा impulsive हो गई थी। हेलो, हाँ पापा, हाँ गुड न्यूज है पापा, हमने वो डील कर ली है। हाँ हाँ हो गई डील, और बस अब मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ 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 बस मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आपके पास आ रहा हूँ। ओके भैया, भैया भैया, क्या हुआ भैया, क्या हुआ बोल। हॉस्पिटल से फोन आया था। क्या फोन आया था? क्या? No more. What? अभी तो मैंने उनसे बात की, अभी तो मैंने उनको देखा। तो क्या वो एक सपना था? हो सकता नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। चल 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 चल, अब हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, अंदर जाना अलाउड नहीं है। भाई साहब प्लीज बाहर जाए। देखिए भाई साहब, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। प्लीज भैया जाने दो। सर प्लीज जाने दीजिए सर, प्लीज। देखिए, आपको जो कहा गया वो सच है, मिस्टर विशाल जैन इज नो मोर। नहीं 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 विकी, नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पापा को कुछ नहीं होगा। मैं दिनेश अंकल को फोन करता हूँ। हाँ दिनेश अंकल। हाँ बेटा, दिनेश अंकल, ये लोग कह रहे हैं कि पापा का भी ख्याल रखना है। अगर क्या इस तरह टूट पड़ोगे तो कैसे चलेगा? अंकल आप भी यही कह रहे हैं, सिचुएशन में किसी को अलाउड नहीं है। आप उनका मुंह नहीं देख पाएंगे बेटा, सॉरी बेटा। मुझे एक बार उनको देख लेने दीजिए, किसी को अलाउ नहीं, बस एक बार मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। पापा, फिर से एक बार बॉल फेंकिए ना, इस बार मैं आपका कैच मिस कर गया। पापा प्लीज एक और बार बॉल फेंकिए ना, प्लीज
मैं हॉस्पिटल पहुंचूं उससे पहले ही आपने मुझे ठेंगा दिखा दिया। पापा फिर से एक बार नकल पंच करते हैं पापा। सबके साथ घूमता था, फिरता था, एंजॉयमेंट करता था, मैं अपनी लाइफ मस्ती से जी रहा था, पर अचानक पापा एक ही पल में आप मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले गए। पापा बचपन से जिनके साथ हंसते खेलते रहा, उस पापा के अंतिम समय में मैं उनका मुंह भी नहीं देख पाया। पिता का अंतिम संस्कार करने का हक बेटे का होता है, वो भी मैं नहीं कर पाया, वो भी पराये लोगों ने किया। सचमुच हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। जीवन कुछ ऐसा ही है, बंद आंख से देखे हुए सपने आंख खुलते ही टूट जाते हैं। हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं रह पाने वाले हमारे स्वजन भी एक ही पल में छूट जाते हैं। तन की आंख खोलते ही रिलेशंस की रियलिटी हमारी आंखों के सामने आ जाती है और मन की आंखें भी खुल जाती हैं। बंद आंख से देखे हुए सपने कभी नहीं होते अपने, इसलिए याद रखो अपने कभी अपने नहीं, सिर्फ सपने होते हैं। अब सोचिए अभी आप जो देख रहे हैं बंद आंख का सपना है या खुली आंख का सपना।